तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो गैस, फिर से स्वागत है आपका एक्सप्रेस रूमर वाटी में। हाँ, तो गैस, मैं उतरता था पोचिंकी में, और पोचिंकी में उतरने के बाद आपको तो पता ही, मैं पोचिंकी में क्या करता हूँ। तो गैस, जैसे उतरा वहाँ पर मुझे मिल गया एक बोट। तो चलो गैस, पट्टे से इसको फिनिश करते हैं। एक बोट यहाँ पर, जैसे उसको मैंने फिनिश किया। हाँ तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जैसे भी थोड़ा सा आ गया, फिर से मेरे को एक और फायरिंग की सुपर मिली। और जैसे आ गया तो गैस यहाँ पर फिर से मुझे एक और बोट मिल गया। तो चलो गैस, इस बोट को फिनिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फिर वो बंदे फिनिश करने के बाद मैं आगे आया। आगे आने के बाद मेरे को घर में फुटस्टेप सुनाई दी, तो मैंने पहले थोड़ा सा चेक करना चाहा कि चलो देखते क्या है। तो भाई देख सकते हो क्या सीन था, दोनों बंदे अलग अलग साइड में टीवी पे लेकर बैठे हुए थे। तो भाई फिर मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया एक बंदे को, मैंने सोचा डाउन दूँ पहले। तो जैसे ही बंदा सामने आया, वैसे उसको पट्टे से डाउन दे दिया। उसके बाद गए डाउन देने के बाद मैंने फिर से रश कर दिया उसके सेकंड बंदे पर, और इसको इजीली फिनिश कर लिया। इसके बाद गए, फिर जैसे ही मैंने इनको फिनिश किया, एक और बॉट यहाँ पर आ गया, और इस बॉट को भी मैंने अपने गन के नीचे ले लिया। तो गैस, फिर जैसे ये सीन खत्म होने के बाद अब आगे देखो गैस क्या सीन होता है। हाँ तो गैस, फिर इसके बाद हम निकल रहे थे पोचिंग से, लेकिन गैस दो बंदों को खोज ले चुकी, और उन बंदों ने हमको फायर देके फिर से पीछे आने पर मजबूर कर दिया। तो गैस जैसे ही हम पीछे आए, तो इन बंदों ने हम पर कर दिया अंधाधुंध रश। तो रश करने के बाद सामने की ओर एक बंदा मुझे दिखाई दिया गैस। तो उसको मैंने क्या किया, नेट डाला और नेट से नॉक करने की कोशिश करा, बट ये जो बंदा बच गया। बट इसको मिल गया था डैमेज। डैमेज मिलने के बाद इसके ऊपर तुरंत पुश कर दिया, और पुश करने के बाद इसको मैंने डाउन कर दिया। अब इसके बाद गैस इसका जो टीममेट है हार्ड ब्लास्ट में झट से बाहर आ, और बाहर आने के बाद गाइस इसने मेरे ऊपर फायर कर दिया और मेरे ऊपर पुश कर दिया। बट इसके पुश करने का कोई फायदा ही नहीं था गाइस, बिकॉज आपको तो पता है मैं क्या करने वाला था इसके साथ। तो चलो गाइस, ये बंदे जो जैसे ही दो मैंने फिनिश किए, इसके बाद आगे देखो गाइस क्या सीन होता है। हाँ तो गाइस, फिर जैसे मैं पोचिंग की छोड़ा और आगे निकले, तो गाइस हमको मिल गया यहाँ पर एक और बॉट, और इस बॉट को मैंने इजीली फिनिश कर दिया। और फिनिश करने के बाद गाइस फिर आगे देखो गाइस क्या सीन होता है। तो फिर जैसे मैं आ गया, तो यहाँ पर मुझे चार बंदे एक दूसरे के साथ आपस में लड़ते हुए दिखे, जो कि ड्रॉप के पास लड़ रहे थे। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया, पहले तो मैं सबसे पहले घर के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद पहले एक बंदे को यहाँ पर ट्राई करता हूँ नॉक देने को। तो गाइस देखो चलो क्या सीन होता है, देखते हैं। हाँ तो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर इस बंदे को नॉक दिया, तो यार रेंज काफ़ी लॉन्ग थी और इसका बंदा इसको रिवाइव दे रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्टली पूरा ही फिनिश करते थे आगे जाकर, और यहाँ पर मेरे को उसका जो बंदा है यहाँ पर रिवाइव दे रहा था। दोनों भी बंदे मेरे को स्पॉट हो गए। स्पॉट होने के साथ गाइस मैंने दोनों के यहाँ पर फायर दिया, और फायर देती गई देखो अभी क्या सीन होता है। अब जो इसका एक बंदा था वो तो फिनिश हो गया, लेकिन जो दूसरा बंदा था इसने यहाँ पर शील्ड मोड बना लिया और अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर लिया। लेकिन सिक्योर करने के बाद जैसे मेरे को मैंने देखा था कि भाई उस बंदे के साथ इसको भी डैमेज मिला था, तो मैंने सोचा चलो यार आगे जाकर पूरा ही इसको फिनिश कर देते। लेकिन देखो गाइस, अब जैसा ही मैं आगे जाता हूँ इसको फिनिश करने, अब मेरे साथ क्या सीन होता है। तो गाइस जैसे ही आगे गया, वैसे जो सामने वाले बंदे थे वो फायर देने लग गए थे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कवर बनाया अपने साइड में, थोड़ी जो पावर थी अपनी फायर वाली यूज़ करके कवर बनाया। कवर बनाते बनाते उस बंदे के नज़दीक तक गया, और नज़दीक जाने के बाद गाइस जिसको मैंने यहाँ पर साइड से थोड़ा सा बाहर निकाल फिनिश कर दिया। इसके बाद गाइस जो दो बंदे थे उनके ऊपर हमने अपना रुक मोड़ा। रुक मोड़ने के साथ इनका एक बंदा काफ़ी चालाक था, साइड से गाइस बाहर निकल कर यहाँ पर काफ़ी नज़दीक आ गया था घास में लेटे लेटे, और सांप बनकर गाइस देखो आपने मेरे को क्या ही डैमेज दिया। अब डैमेज देने के बाद गाइस मैंने थोड़ा सा अपने आपको हील अप किया। हील अप करने के बाद आप देखो गाइस क्या सीन होता है। यहाँ पर जो था जो बंदा नज़दीक आ गया था काफ़ी, उसने मेरे टीममेट्स को डैमेज दे दिया। डैमेज देने के बाद इसने तुरंत पुश कर दिया। पुश करने के बाद जैसे ही पुश किया इसने गाइस, वैसे मैंने इसको यहाँ पर बड़ी चालाकी से नॉक कर दिया। और अब नॉक करने के बाद इसका जो टीममेट था भागा भागा इसकी साइड आ रहा था, बट उससे पहले मुझे मेरे बंदे को रिवाइव देना था, तो यार मैंने इसको रिवाइव कर दिया। रिवाइव करने के बाद इसने अपने आपको हील कर लिया। बट यहाँ पर जो दूसरा बंदा था काफ़ी तेज़ी से आया था अपने बंदे को बचाने, बट मैंने इसको पहले तो फिनिश किया। फिनिश करने के बाद इसका जो बंदा आया, इसके बंदे को भी मैंने यहाँ पर आसानी से ड्रॉप देकर फिनिश कर दिया, और पूरा मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद गाइस हमको फट से जोन में भी निकलना था, बिकॉज अगर जोन में अटक जाता तो गाइस जोन में हम लोग यहाँ पर मर जाते, इसलिए लूटने के लिए टाइम नहीं मिला। लूट भी हम सब सारी लूट छोड़कर हम वैसे ही जोन के साथ निकल गए। और गाइस जैसे ही हम थोड़ा आगे, तो दो बंदे हमें रास्ते पर रोड़ा बनकर रुके हुए थे, जो कि हमको काफ़ी जैसे फायर दे रहे थे आगे नहीं आने दे रहे थे। तो फिर गाइस मैंने क्या किया, फिर थोड़ा सा कवर बनाया। कवर बनाने के साथ गाइस जैसे ही गाइस मैंने सोचा कि इसका जो बंदा है सामने वाले की गोली से यहाँ पर नॉक होता है, तो मैंने तुरंत नेट निकाला, और नेट निकाल कर बंदा को वहीं पर डाल दिया जब बंदे का। तो जैसे ही नेट गिरा तो गाइस इसका टीम फिनिश हो गया। तो बंदा तो मैं एक मारा, उसके बाद मैंने किया दूसरा वाला जिंदा इंचा चलता गाइस। कवर बनाया, कवर बनाने के बाद इसके टीम वाला जिंदा उठा, उसके ऊपर पुश करता है। पुश करने के बाद आगे देखो गाइस क्या है, मतलब सही है। तो गाइस इसको मैंने यहां पर फिनिश कर दिया, और फिनिश करने के बाद गाइस इससे लूट ले ली काफी ज्यादा, और आगे निकल पड़े। अब इसके बाद गए जोन जो कि काफ़ी छोटा हो गया था, और इस जोन ने कर दिया हम लोगों के साथ स्कैम। और देखो गाइस अब होता है क्या हमारे साथ सीन। तो गाइस फायरिंग में पता ही नहीं चला कि स्मोक में कौन सा बंदा है कौन सा नहीं, और यहाँ पर हो चुके हैं फिनिश। बट इसके बाद थोड़ा सा गाइस आप देख लो लास्ट वाला जो सीन था, तो देख कर आपको
मज़ा आएगा। जो कि सामने वाले जो दो बंदे थे मतलब कतई नूब थे यार, कितने नूब थे पता ही नहीं चला कि ये बंदे लास्ट जोन तक कैसे आ गए। अब देखो गाइस क्या सीन करता है ये बंदा इन लोगों के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, गेम पे अगर आपको अच्छा लगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और वीडियो को जो तो लाइक कर देना गाइस। और अगर आपको भी कस्टम्स खेलने हैं तो गाइस नीचे चल जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएंगे और डिस्कॉर्ड का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आईडी पासवर्ड लेकर कस्टम एंजॉय कर सकते हो।